बाहर जाते ही बहुत सारी चूत रानियों को घर पे बुलाकर उनके चूत का मजा ले रहे होते हैं और यही काम मजबूरी में बिजनेस बन जाता है। तो ये कैसे होता है और हमारे चोदू भैया कैसे कैसे गुल खिलाते हैं ये हम देखेंगे इस मूवी के एक्सप्लेन में। तो हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ठोकर ही जाइएगा, ऐसे ऐसे चोदू राम को हम लाते रहेंगे। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे चोदू भैया को जो सुबह सुबह अपने पड़ोसी के घर पर जाते हैं। वहां पर कोई ना होने पर वो सीधे अंदर चल जाते हैं। अंदर जाते ही चूत की सुगंध उन्हें ऊपर लेकर जाती है। ऊपर जाके देखते हैं एक प्यारी सी चूत वहां पर नहा रही है। चूत की नजर हमारे चोदू भैया पर जाती है। चूत को यहाँ डरना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उसे उल्टा बुलाती है अपने पीठ पर साबुन मलने के लिए। अब चोदू भैया का दिल गार्डन गार्डन हो गया, वो चले भी जाते हैं साबुन मलने के लिए। जैसे ही जा रहे होते हैं चारों तरफ धुआं होता है। हमारी चूत वहां नहीं दिख रही होती धुएं की वजह से। दरवाजा खोलते ही धुएं के हटते ही वो अपने भैया से पढ़ाई के बारे बात कर रहे होते हैं कि वहां उनका पहला दोस्त टट्टू राम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। मतलब कि टट्टू भैया ने जो एडवाइस दिया था उसका लुत्फ वो खुद उठा रहा होता है। टट्टू भैया बोलता है कि छम्मा का चूत चाटने के लिए मुझे जगह चाहिए। चोदू राम कहते हैं टट्टू भैया से कि जाइए और चूत ध्यान से चाटिएगा, कहीं मुंह में झाट का बाल ना आ जाए, बोलकर ऊपर वाले कमरे में भेज देते हैं। चोदू भैया अपने पढ़ाई में लग जाते हैं कि ऊपर से चूत की चीखें निकल रही होती है। चूत की चीखें सुन चोदू भैया और गांडूराम का लंड खड़ा हो जाता है। चोदू भैया अपने लंड को बोलते हैं कि अभी ये सही वक्त नहीं है तेरे उठने का, कुछ दिन और सो जा। लेकिन उनके लंड ने चूत की चीखें सुन ली थी तो वो सोने का नाम नहीं ले रहा। अब यहाँ वो दोनों निकल जाते हैं चूत की तलाश में। गलियों में जाते हैं जहाँ बहुत सारी चूत हैं लेकिन उनमें से कोई उनको भाव नहीं दे रहा होता क्योंकि दोनों लड़कियों के मामले में थोड़े कमजोर हैं, मतलब लंड से नहीं लड़कियां पटाने में। अब लंड भी सो गया क्योंकि उसे मालूम था कि इनसे ना हो पाएगा, दोनों को चूत तो नहीं मिलता, इसलिए गलियों में गाड़ी घुमाकर टाइम पास करते हैं। अगली सुबह टट्टू भैया चोदू भैया को दूसरा एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि घर खाली है, किसी कॉल गर्ल को बुलाकर अपने वर्जिनिटी तुड़वा ले। टट्टू भैया एक कॉल गर्ल को बुला भी लेते हैं पर चोदू भैया यहाँ डर जाते हैं और उसे गाली देते हुए कहते हैं कि उसे मना कर दे, मैं हिलाते हिलाते मर जाऊंगा लेकिन किसी कॉल गर्ल के साथ नहीं सोऊंगा। तो टट्टू भैया फिर से कॉल करते हैं मना करने के लिए लेकिन कॉल कोई उठाता नहीं। तो टट्टू भैया चोदू भैया को बोलते हैं कि कॉल करते रहो, जब उड़ जाए तो मना कर देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बोलकर वो चला जाता है। चोदू भैया बहुत ट्राई करते हैं, रिंग जा रहा होता है लेकिन कोई उठाता नहीं। तब हम देखते हैं कि रात के 8 बज गए और घंटी भी बज जाती है। दरवाजा खोलने पर हमारे चोदू भैया देखते हैं कि वहाँ कोई कॉल गर्ल तो नहीं पर एक छक्का आया हुआ है। छक्का बोलता है कि बताओ किसकी बिस्तर गर्म करनी है। चोदू भैया डर के मारे दरवाजा बंद कर देते हैं और टट्टू भैया को कॉल करके गाली देने लग जाते हैं। टट्टू भैया बोलते हैं कि मैं फैमिली के साथ हूँ, इसके बारे हम बाद में बात करेंगे, बोल के फोन कट कर देता है। दरवाजा खोल के चोदू भैया छक्के को बोलते हैं कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मेरे दोस्त ने एक लड़की बुलाई थी ना कि आपको। छक्का बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दो मैं चल जाऊंगा। अब चोदू भैया उसको पैसे दे भी देते हैं लेकिन वो पैसा उनके पॉकेट मनी से होता है। अब उन्होंने उसको पैसे तो दे दिए लेकिन उनका पॉकेट मनी खत्म हो गया, मतलब कि अब उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। जाते जाते छक्का एक नंबर देता है और बोलता है कि आपको शायद इसकी जरूरत है, कभी भी जरूरत पड़े तो इसको कॉल करके बुला लेना। चोदू भैया ऊपर जाके सोने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आ रही होती तो वो उस नंबर पर कॉल करते हैं। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक छम्मा आ चुकी है, उसका नाम हमने रखा हुआ है चमकीली चूत। चोदू भैया के लंड ने पहली बार चूत चखने का मौका पा लिया और वहां एक शानदार दमदार चुदाई क्रिया स्टार्ट हो जाती है। चोदू भैया पहली बार चूत रहे थे तो उन्होंने रात भर चूत को नहीं छोड़ा, रात भर चूत की ठुकाई करी। सुबह होने पर चमकीली चूत पैसे के लिए पूछती है लेकिन हमारे चोदू भैया के पास फूटी कौड़ी नहीं है। वो चुदाई में इतना मदहोश हो गए थे कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। तो वो चमकीली चूत को कहते हैं कि कुछ देर यहाँ रुको, मैं बैंक से पैसे लेकर आता हूँ। चोदू भैया के वापस आने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर चमकीली चूत नहीं है, वो चली गई। तो हमारे चोदू भैया वहाँ नोटिस करते हैं कि उनकी मॉम का सामान गायब है। ये बात चोदू भैया अपने दोस्त टट्टू राम को बोलते हैं। टट्टू राम और चोदू भैया चमकीली चूत को खोजने लग जाते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। कुछ दिन बाद उन्हें चमकीली चूत एक होटल पर दिखाई देती है जहां वो हेल्प मांग रही होती है। वो कहती है कि मेरे पीछे मेरा मैनेजर पड़ा हुआ है, मुझे बचा लो।
क्योंकि उसने उससे पैसे लेने हैं। हमारा चोदू भैया मान जाता है, उसको बचाने के लिए अपने गाड़ी में बिठा लेता है। तब चमकीली चूत यहाँ बोलती है कि मैंने कुछ पैसे देने हैं मैनेजर को, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। एक्चुअली वो पहले उसके साथ काम करती थी, लेकिन मैनेजर का बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं था, इसलिए उसने काम छोड़ दिया। अब वो अपने पैसे मांग रहा है, लेकिन चमकीली चूत के पास उसको देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। चमकीली चूत को घर पर लेकर जाता है और उसको बोलता है कि आज रात तुम यहाँ रह सकती हो। सुबह होने पर चोदू भैया चमकीली चूत को जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन चमकीली चूत उसकी बात नहीं मानती। अब चोदू भैया को स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो वो चले गए। बाद में आने के बाद वो देखते हैं कि टट्टूराम उनके घर से बाहर निकल रहा है। चोदू भैया को लगता है कि चमकीली चूत का चूत चोत कर आ रहा है, लेकिन टट्टूराम बोलता है कि चमकीली चूत का नहीं, पर मेरी दोस्त का चूत चोत कर आ रहा हूँ। अब ये बात सुनकर चोदू भैया और गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने घर को रंडी खाना नहीं बनाना चाहते। उसके बाद टट्टूराम की दोस्त उसको पैसे देती है, लेकिन चोदू भैया पैसे को लेने से इनकार कर देते हैं और चमकीली चूत और उसके दोस्त को बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलने पर चमकीली चूत और उसकी फ्रेंड को उसका मैनेजर पकड़ लेता है। वो उससे भागकर वापस चोदूराम के घर में आ जाते हैं। उसका मैनेजर चोदूराम को धमकी देता है, बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो। तब चोदू भैया उसको पुलिस की धमकी देते हैं और वो वहां से निकल जाता है। रात को खाना खाते वक्त चमकीली चूत यहाँ रहने के लिए उसको मना लेती है। चोदू भैया यहाँ बोलते हैं कि जब तक उसके मॉम डैड नहीं आ जाते तब तक के लिए वो लोग यहाँ रह सकते हैं। खाना खत्म होने पर चमकीली चूत उसको एक एडवाइस देती है। वो बोलती है कि जब तक तुम्हारे मॉम डैड यहाँ नहीं आ जाते तब तक तुम यहाँ रंडी खाना चला कर बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। चोदू भैया इसके बारे में मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। चमकीली चूत बोलती है कि जब वो छोटी थी उसके चाचा उसको बहुत तंग करते थे और भागने के बाद उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था तो इस काम पर लग गई। चमकीली चूत अपने बारे में बहुत कुछ बोलती है। बात करते करते वो इमोशनल हो जाती है और वो वहां से निकल जाती है। तब चोदू भैया का गाड़ी फिसलते हुए अपने आप नीचे जा रहा था, उसको रोकने के चक्कर में दोनों पानी में गिर गए। अब चोदू भैया के पास फूटी कौड़ी नहीं है तो वो गाड़ी कैसे ठीक करवाएंगे, इसको सोचते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और यही इमोशनल में वो अपने टीचर से बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। उसकी वजह से टीचर हमारे चोदू भैया को स्कूल से 10 दिन के लिए बाहर निकाल देते हैं। अब चोदूराम यहाँ बहुत निराश हो चुका है, बहुत दुखी हो चुका है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो वो चला जाता है चमकीली चूत के पास और वो बोलता है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा था, हम इस पे काम करेंगे, मैं रेडी हूँ मेरे घर को रंडी खाना बनाने के लिए। तब अगले दिन रात को हम देखते हैं कि बहुत सारे चूत और लंड यहाँ पर आ चुके हैं चुदम चुदाई खेलने के लिए। उनमें से एक कॉलेज का एडमिशन ऑफिसर वहाँ आता है चोदू भैया का इंटरव्यू लेने के लिए। वो अंदर आके देखता है और शॉक हो जाता है और वो चोदू भैया को पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। चोदू भैया बोलता है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं और इंटरव्यू खत्म हो जाता है। इंटरव्यू के बाद एडमिशन ऑफिसर यहीं पर रह रहा है और एक लड़की को पकड़ के एडमिशन ऑफिसर एक रूम पे चला जाता है चुदम चुदाई खेलने के लिए। वो रात को बहुत इंजॉय करते हैं, चुदम क्रिया को दिल से इंजॉय करते हैं। पार्टी के बाद हम देखते हैं कि चोदू भैया और चमकीली चूत ने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं और वो दोनों निकल जाते हैं एक ट्रेन में इंजॉय करने के लिए। ट्रेन खाली होते ही चोदू भैया और चमकीली चूत फिर से लग जाते हैं एक दमदार जानदार चुदम चुदाई के लिए। अब चोदू भैया के पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जाता है। गाड़ी ठीक करवा कर जब वो घर पर वापस आता है तब वो देखता है कि चमकीली चूत वहां पर नहीं है, उसके साथ साथ उसके बहुत सारे सामान भी गायब है। चमकीली चूत को फोन करके पता लगता है कि ये सब उसके मैनेजर ने किए। उसका मैनेजर उसे बदला लेने के लिए उसका पूरा सामान लेकर चला गया। तब हमारे चोदू भैया उसको फोन करके अपना सामान वापस मांगते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे मॉम डैड आज आने वाले हैं तो प्लीज जैसे भी वो सामान वापस कर दो, और पूरा सामान वापस लेकर आ जाता है। लेकिन चोदू भैया ने जो रंडी खाना से पैसे कमाए थे वो पूरे पैसे वो ले लेता है। अब हमारा चोदू भैया पूरा सामान सेट करने में इतना बिजी हो जाता है कि उसको याद ही नहीं होता कि आज उसके मॉम डैड को पिक करने जाना है। उसके मॉम डैड टैक्सी से घर आते हैं, उनके आने तक चोदू भैया ने सारा कुछ सेट कर दिया है। उसकी मॉम आकर देखती है कि सारा सामान इधर का उधर है तो इस बारे हमारे चोदू भैया को बहुत सारी गाली सुननी पड़ती है, लेकिन वो सब वो दिल पे नहीं लेते क्योंकि हमारे चोदू भैया ने बहुत पैसे कमा लिए हैं। मतलब कि जितना पैसा उन्होंने कमाया था एक रात में वो सारा पैसा मैनेजर को नहीं दिया। अभी भी बहुत पैसे हैं हमारे चोदू भैया के पास। तो उसके डैड उसको बोलते हैं कि एडमिशन ऑफिसर को तुम बहुत अच्छे लगे, तुम्हारी इंटरव्यू बहुत अच्छी लगी, इसीलिए उन्होंने खुश होकर तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दे दिए।
अब ये बात चौधरी भैया को मालूम है कि एडमिशन ऑफिसर ने रंडी खाने से खुश होकर ही उसको एडमिशन दिया है। उसके बाद अगले दिन हमारे चौधरी भैया चमकीली चूत के पास जाते हैं, उसे डेट के लिए पूछते हैं और डेट पर दोनों जाते हैं और दोनों एक साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।